नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। विभव कुमार को आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने आज हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की टीम विभव कुमार को पूछताछ के लिए सिविल लाइन्स थाना लेकर आई थी। पुलिस ने बताया कि उन्हें शनिवार को दिल्ली की 30,000 कोर्ट में पेश किया जाना है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि विभव कुमार को दिल्ली पुलिस की एक टीम ने दोपहर के आसपास मुख्यमंत्री आवास से हिरासत में लिया था। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है। इस बीच पार्टी का एक सांसद इस पूरे दौर में कहीं नजर नहीं आया। ये थे आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही कहीं नजर नहीं आए थे, जिसके बाद उन्हें लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि शनिवार को आखिरकार वे वापस आ ही गए। राघव चड्ढा शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रैली के दौरान कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। योगी ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो राम मंदिर को धुलवाएगी। अरे, उत्तर प्रदेश की जनता तुम्हें उस लायक ही नहीं छोड़ेगी कि तुम श्री अयोध्या जी पहुंचो। बहनों और भाइयों, मैं जब यहां पे आता हूं, यहां के बारे में सुनता हूं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरा में जब इस देश में मुगलों का आतंक था, उनका वर्चस्व था, उस कालखंड में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। उस कालखंड में जब औरंगजेब हिंदुओं पर जजिया कर लगा रहा था और जो कर नहीं दे सकता था उसका जबरन मतांतरण करा रहा था, उस कालखंड में औरंगजेब के दंभ को चकनाचूर करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का झंडा बुलंद करने का काम किया था और हिंदुस्तान के माथे को गर्व के साथ ऊपर उठाने का कार्य किया था। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, मुझे इस बात को लेकर के, मैंने सुना है कि कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष यहां आए थे और अपने संस्कारों के अनुरूप कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर को धुलवाएगी। अरे, यूपी की जनता तुम्हें उस लायक ही नहीं छोड़ेगी कि अयोध्या पहुंच भी पाओगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत की 140 करोड़ लोगों की भावना का प्रतीक है। भारत के अंदर जब हमारा महाराष्ट्र देश के अंदर के सभी लोग मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में अपने वोट की कीमत को समझे हैं और मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व उन लोगों ने स्वीकार करके मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, तब कांग्रेस के कलंक को समाप्त करते हुए मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है और आज तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल ही, एनडीए ही भारत को सुरक्षा दे सकती है, और किस रूप में दे सकती है इसका मॉडल मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 7 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हूं। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपसे ये कहने के लिए आया हूं मैं, बहन और भाइयों,
अगर हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान किया है तो जितने दंगाई थे, जितने बड़े बड़े माफिया कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने वहां पाले हुए थे, इन सब की हमने राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। ये सब निकल गए, सब गायब हो गए। कुछ लोग तो बोलते थे कि साहब बस हमें जेल डाल दीजिए। हमने कहा जेल नहीं, तुम्हारी जगह तो जहन्नुम है, जहन्नुम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा कर रहे हैं। अंबाला लोकसभा सीट से सांसद रहे रतनलाल कटारिया की आज ही पुण्यतिथि है। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसलिए अंबाला रैली के लिए 18 मई का दिन चुना। मां अंबिका, माता मनसा देवी की भूमि, अंबाला की धरती से पूरे हरियाणा को राम राम। हरियाणा यानी हिम्मत, हरियाणा यानी हौसला, और तभी तो हरियाणा धाकड़ है धाकड़। और मोदी ने तो कई सालों तक हरियाणा की रोटी खाई है। और हरियाणा की तरह ही मोदी ने 10 साल तक सरकार भी धाकड़ चलाई है। आज अंबाला के आसमान में राफेल के विमान जब उड़ते हैं तो आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, आज मैं आपसे अगले 5 साल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज मेरे बहुत पुराने साथी, संगठन में भी काम किया, सरकार में भी काम किया, हमारे रतनलाल जी कटारिया जी की बरसी है, मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। भाइयों और बहनों, 4 जून में अब सिर्फ 17 दिन बचे हैं। 4 चरणों के चुनाव में कांग्रेस और इंडी गठबंधन, ये उनके सारे साथी सारे दल 4 चरण में चारों खाने चित्त हो चुके हैं। बिहार के सिवान लोकसभा सीट पर प्रचार करने पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने भारत में मुसलमानों को आरक्षण देने के विचार का कड़ा विरोध किया। दरअसल सीएम हेमंत की ये टिप्पणी तब आई जब लालू यादव ने कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण दो। इस पर सीएम हेमंत कहा कि क्या भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण देना संभव है? हुआ कांग्रेस का एक शख्स है जो महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष है, उन्होंने बोला, नाना पटोले है उनका नाम, उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस सरकार आएगा तो हम राम मंदिर का दोबारा शुद्धिकरण करूंगा। मैंने पूछा
भाई कांग्रेस पार्टी कैसे राम मंदिर का शुद्धिकरण कर सकता है? बोले क्यों नहीं कर सकता है? मैं बोला पहले बताओ सोनिया गांधी हिंदू है कि क्रिश्चियन है, ये पहले बताओ हमें, हमें ये पहले बताओ। अगर सोनिया गांधी हिंदू है तो अलग होगा, लेकिन अगर सोनिया गांधी क्रिश्चियन हो तो उनको हम राम मंदिर शुद्धिकरण का अनुमति देगा क्या? हम उनको अनुमति देगा क्या? तो ये कांग्रेस पार्टी अभी भी राम मंदिर का पीछे है, लालू यादव अभी भी राम मंदिर का पीछे है। उनका मन है अगर कोई कारण में कांग्रेस का सरकार बनते है ना, वो दोबारा रामलला को टेंट में ले आने का उनका अभी भी मन है। भाई और बहनों, हमें देखना पड़ेगा कि रामलला का मंदिर जैसे हमने भव्य मंदिर बनाया उसी ऐसे ही भव्य रूप में रहना चाहिए, हजारों साल रहना चाहिए। जब तक चंद्र और सूर्य रहेगा तब तक हमारा रामलला अयोध्या में रहना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर इलाके के करतार नगर में चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार पर हमला हुआ था। इस मामले में बात करने के लिए कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने खुद पर हुए हमले के बारे में बात करते हुए उन्होंने पीएम मोदी सरकार और पूर्वी दिल्ली में पीएम मोदी की आगामी रैली को लेकर उन पर कटास की। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हुआ है इस बार के चुनाव में कि प्रधानमंत्री जी भी सभा करने उत्तर पूर्वी दिल्ली आ रहे हैं। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सड़क के इस तरफ आपके समर्थक हमला कर रहे हैं और सड़क के दूसरी तरफ आप आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस हमले के बारे में एक शब्द बोलेंगे। जो भाजपा के लोग हैं उनको इस देश के संविधान में कोई भरोसा नहीं बचा है। वो इस देश के विपक्ष को समाप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ऐसा क्या हुआ है इस बार के चुनाव में कि प्रधानमंत्री जी भी सभा करने के लिए आ रहे हैं? आज सड़क के उस तरफ जो है आप आ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस बारे में एक शब्द बोलेंगे कि हम लोग जो अपने कैंपेन में बोल रहे हैं कि मौजूदा सरकार देश में तानाशाही थोपना चाहती है, जो भाजपा के लोग हैं उनको इस देश के संविधान में कोई भरोसा नहीं बचा है, इसीलिए वो इस देश के विपक्ष को समाप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वो पहले बदनाम करते हैं, फिर डराते हैं और फिर खरीदने का प्रयास करते हैं। आप सबने देखा कि सूरत में क्या हुआ, खजुराहो में क्या हुआ, इंदौर में क्या हुआ, वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी यही करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता जिस तरीके से इंडिया अलायंस को, कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को और हमारे सभी घटक दल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो जन समर्थन मिल रहा है, यह घबराहट साफ साफ दिख रही है। दो बार से बीजेपी के सांसद हैं यहाँ पर। लोकतंत्र में यदि उनको भरोसा है, अगर उनको इस देश की न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और जो व्यवस्था है हमारे देश में, वोट की व्यवस्था, लोकतंत्र की व्यवस्था, उसमें अगर भरोसा है तो चुनाव हो रहा है। वो बताएं कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया है। लेकिन अपना काम बताने की बजाय जब से कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे इंडिया अलायंस का प्रत्याशी बनाया गया है उत्तर पूर्वी दिल्ली से, लगातार झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर्ड नकली वीडियो घुमा रहे हैं और आम लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। जब आम लोग इनकी बातों में नहीं आए, आम लोगों ने हर गली में इनसे यही पूछा कि सड़कें क्यों नहीं बन रही, जाम की समस्या क्यों नहीं समाप्त हो रही, क्यों यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का एक गंभीर समस्या है और 10 साल में आप दिखाई क्यों नहीं दिए, हमारे सुख दुख में क्यों नहीं आए,
इन सवाल का जवाब जब देते इनको नहीं बन पा रहा है, तो अब ये बदनाम करने के बाद अब ये डराने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, हम गांधी जी के सिपाही हैं, हम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे अंदर शहीद आजम भगत सिंह का साहस है, ये कितनी भी कोशिश कर लें हम रुकेंगे नहीं, हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के सवाल उठाते रहेंगे। और हमारा सवाल उठाने का असर देखिए, 10 साल हो गए, 10 साल से सांसद हैं साहब और 10 साल से प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, एक बार भी उत्तर पूर्वी दिल्ली नहीं आए। ऐसा क्या हुआ है इस बार के चुनाव में कि प्रधानमंत्री जी भी सभा करने के लिए आ रहे हैं आज, और जहां प्रधानमंत्री जी सभा करने के लिए आ रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल हमारे ऊपर हमला करने के प्रयास में एक जो महिला पार्षद है छाया शर्मा, जिस वार्ड में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसी वार्ड की जो पार्षद है, उस महिला पार्षद पर भी अटैक किया गया, स्याही फेंकी गई, बाकी कंप्लेन उन्होंने पुलिस में कराई है। तो आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सड़क के किस तरफ आपके समर्थक हमला कर रहे हैं, सड़क के उस तरफ जो है आप आ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस बारे में एक शब्द बोलेंगे। देश के लोगों ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, दो दो बार प्रधानमंत्री बनाया, लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, वो उस पार्षद के भी प्रधानमंत्री हैं जिस पार्षद के ऊपर यह कायराना हमला किया गया है। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी मंच से इसकी आलोचना करेंगे, इसकी निंदा करेंगे और अपने दोस्त जय शाह जी को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अमित शाह जी को, क्या कीजिएगा आजकल बेटा का नाम ही याद रहता है, अमित शाह जी को कहेंगे, गृह मंत्री हैं वो, कि पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करेगी और इस इलाके में जो गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो आपराधिक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर कानून जो है न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई करेगी, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगी। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में जनसभा में जबरदस्त भाषण दिया। इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी और मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में किसी की सुनवाई नहीं हुई, आज सपा कांग्रेस एक सेना बनकर लड़ रहे हैं, ये कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन को विजय बनाएंगे। अखिलेश जी, राहुल जी, देखिए ये समाजवादी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सेना बनके लड़ रहे हैं, एकजुट एक सेना बनके लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन को यहाँ उत्तर प्रदेश से विजयी बनाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि किस तरह से आपने इस चुनाव में पूरे देश को दिखाया है कि दो पार्टियां नहीं, आप एक सेना है, दिल से आप साथ में लगे, दिल से आपने काम किया। कल चुनाव का आखिरी, प्रचार का आखिरी दिन है। 2 हफ्तों से हमने परिश्रम किया है, आप सब गांव गांव गए हैं, ये रायबरेली क्षेत्र है, इस क्षेत्र से मेरे परिवार का एक बहुत गहरा प्रेम भरा, श्रद्धा से भरा हुआ रिश्ता है। इस रिश्ते को अटूट रखने के लिए आज मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी यहां से आपके प्रत्याशी बने हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरी आवाज को सुनने की आपकी आदत है। आज अखिलेश जी और राहुल जी आपके सामने बोलेंगे।
सिर्फ इतना कहूंगी कि 10 सालों से इस देश का आम आदमी, इस देश का गरीब, इस देश का किसान प्रताड़ित है। इस देश की पुकार थी, किसानों की पुकार थी कि हमारी आवाज सुनिए, मजदूरों की पुकार थी कि हमें राहत दीजिए, महिलाओं की पुकार थी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें सुरक्षा दीजिए। इस देश की जन जन की पुकार थी कि आपकी सुनवाई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इस देश में आंधी उठी है, इस देश की आवाज है, इस देश की पुकार है कि ये भाजपा की तानाशाही, भाजपा की जो सत्ता के लिए सब कुछ करने वाली सरकार को हटाया जाए और एक नई चेतना से एक नई राजनीति देश में स्थापित हो। इसका संदेश रायबरेली से पूरे देश में जाना चाहिए। रायबरेली की जागरूक जनता ने 100 साल पहले एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया। आप 100 सालों से सबसे जागरूक जनता है। यहां से देश को संदेश दीजिए कि आप एक नई तरह की स्वच्छ राजनीति चाहते हैं और मोदी जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक बार मेरे साथ जोर से कहिए, 5 लाख, 5 लाख पार है, 5 लाख। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस नूह जिले में स्थित धुलावटा गांव के पास चलती बस में आग लगने से 9 लोग जिंदा जल गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बस में करीब सवार 60 लोगों में 20 से अधिक लोग बुरी तरह से झुलसे, जिसमें कई बच्चे और महिलाएं भी हैं। हादसा 17-18 मई की रात करीब 2:45 बजे हुआ। बस में पंजाब के होशियारपुर तथा चंडीगढ़ में रहने वाले लोग सवार थे। इसराइल और हमास की लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में 35,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी की हालत को देखते हुए दुनिया के कई ऐसे देश एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि इसराइल गाजा पर हमले बंद करे, लेकिन इसराइल गाजा में रुकने को तैयार नहीं। इसराइल का कहना है कि जब तक वो हमास के अस्तित्व को खत्म नहीं कर देता, तब तक उसके हमले बंद नहीं होंगे। भीषण गर्मी और लू की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में शुक्रवार को प्रचंड गर्मी थी। पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे ये देश का सबसे गर्म स्थान बन गया। भीषण गर्मी और लू की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।